उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश भ्रमण के दौरान बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में युवाओं पर लाठीचार्ज की फिर से निंदा करते हुए कहा कि युवाओं से माफी मांगने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। सीबीआई जांच के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की जांच एजेंसियां बेहतर कार्य कर रही हैं, सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने की भी अपील की है। सर, बीते कुछ दिनों से आप कुमाऊं दौरे पर हैं, प्रदेश के भ्रमण पर हैं, क्या इसका मकसद है सर, किस उद्देश्य से आप निकले? देखिए, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना ही इसका मकसद है। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और उससे पहले जो हमारी स्थानीय निकाय हैं उनका भी चुनाव होना है, तो इस दृष्टि से नए कार्यकर्ताओं से नई जिम्मेदारियां जिनको मिली हैं उनसे मिलना जुलना और आगामी चुनाव के दृष्टि से एक वातावरण तैयार करना। एक राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण भी दिखाई दे रहा है सर, बार बार नेतृत्व परिवर्तन की बात उठती है, कितनी सच्चाई इसमें है सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं, बहुत स्थिर सरकार है और उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी को जिता कर भेजा है, साथ ही जो मुख्यमंत्री है उनको तो एक तरफा जिता कर भेजा है। तो इस तरह की जो अफवाहें फैलाई जा रही है मैं समझता हूँ कि उचित नहीं। सर, भगत दा की अभी उत्तराखंड में वापसी हो रखी है तो राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या इन चर्चाओं का क्या सर, कितनी सच्चाई इन चर्चाओं में है? भगत दा हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं और वो स्वेच्छा से आए हैं और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि वो अपने जीवन का शेष समय पठन पाठन में लगाना चाहते हैं। अच्छी बात है, उन्होंने नयों को मौका दिया है। वो सर गढ़वाल क्षेत्र में घूम रहे हैं और आप उनकी गृह जनपद में घूम रहे हैं, तो इसका भी क्या कोई राजनीति में? उनके लिए पूरा उत्तराखंड उनका घर है, मेरे लिए भी पूरा उत्तराखंड मेरा घर है। बीच में सर युवाओं पर लाठीचार्ज, युवा बड़े आक्रोशित हैं, एक सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि युवाओं को मौके नहीं मिल रहे हैं, आपका एक बयान भी बड़ा चर्चा में था, आपने कहा था कि युवाओं से मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं इस पर बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं था, इसको स्वीकार करके, और मैंने इसलिए कहा कि अब माफ़ी मांगने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है और इसलिए युवाओं को भूलना चाहिए और शांतिपूर्वक तरीके से अगर मूवमेंट करना चाहते हैं, कोई आंदोलन करना चाहते हैं, धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्वक तरीके से ही करना चाहिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। सर, लगातार एक के बाद एक हो रहे भर्ती घोटालों के बाद युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो इसके बाद भी सरकार क्या सीबीआई जांच से बच रही है? देखिए, इसको लेकर के कुछ लोग कोर्ट में गए थे, हाई कोर्ट गए थे और कोर्ट ने भी ये माना कि जो जांच हो रही है वो सही दिशा में हो रही है और इसलिए सरकार ने उचित नहीं समझा होगा कि सीबीआई जांच कराना चाहिए। अगर अपनी एजेंसी ठीक से काम कर रही है तो हमको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो ऐसे पर युवाओं को भरोसा नहीं है, युवा उम्मीद, युवाओं से बातचीत करना चाहिए और युवाओं ने डिमांड किया कि भाई एक नकल विरोधी कानून बनना चाहिए, तो सरकार ने अध्यादेश उस पर जारी किया क्योंकि सेशन नहीं चल रहा था उस समय, कैबिनेट भी नहीं थी, तो मुख्यमंत्री जी ने एक अध्यादेश सर्कुलेशन से अध्यादेश जारी किया, तो मैं समझता हूँ कि युवाओं की मांग पूरी हुई है। अध्यादेश भी जो लाया गया उसका जो पहला जो शिकार बना वो युवा ही बना है, वो उन्हीं पर लगाया गया जिसने उस मामले का खुलासा किया था, मुझे सील टूटी मिली। देखिए, उस पर सरकार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए, उसकी प्रतीक्षा करना चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है कि सर जो युवाओं के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और अपने लोगों को, कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। ये बताओ कि एग्जाम मैं दूंगा क्या या बलवंत सिंह भोराल जी देंगे? तो जो एग्जाम देगा युवा ही है वो। ये जो सिस्टम की गलती है सर, नहीं वो ठीक है, वो अधिकारी पर तो कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, अब लाठीचार्ज पर ही है, लाठीचार्ज ऐसा नहीं है, ये कहना कि कार्रवाई नहीं हो रही है, 60 लोग जेल में जा चुके हैं, वो सब सरकारी कर्मचारी हैं या फिर वो एजेंसी जिसने एग्जाम कंडक्ट कराए, तो ये कहना उचित नहीं है कि अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तमाम अधिकारी जेल में गए, IFS अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा के लोग हैं वो जेल में गए हैं, तो ये कहना उचित नहीं है। एक साथ चुनाव के लिए एक माहौल बन रहा है, विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि यार कितना प्रभावी ये मुद्दा रहेगा
आने वाले चुनाव में? अब देखिए, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो मुद्दा बनाना है और इसलिए विपक्ष मुद्दा बना रहा है। पिछले चुनाव में भी ये मुद्दा बनाया गया था लेकिन जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। जनता ने भारतीय जनता पार्टी और देश हित को सर्वोपरि समझा, सर्वोच्च स्थान देश हित को दिया और आज जो चुनाव हो रहे हैं वो देश हित के लिए हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने देश को मजबूत किया है। विश्व पटल पर भारत आज मजबूती से उभरा है सामने। और कोरोना जैसी महामारी जब पूरी दुनिया त्राहि त्राहि कर रही थी, यहाँ भी एक बड़ा भारी संकट हमारे सामने था, ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाए गए, कोई टैक्स कोरोना का कोई टैक्स नहीं लगा और अर्थव्यवस्था आज देश की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था आज भारत की अर्थव्यवस्था है। और इसलिए अर्थव्यवस्था देश की सुधर रही है, देश विश्व पटल पर बहुत मजबूती से सामने आया है। आज तमाम दुनिया के देश कह रहे हैं कि भाई अगर रूस यूक्रेन में कोई समझौता करा सकता है तो नरेंद्र मोदी करा सकता है, भारत करा सकता है, भारत को बिचौलिए के रूप में आना चाहिए। तो यानी कि आज भारत की जो मजबूती है वो दुनिया उसको मान रही है। एक बजट में उत्तराखंड की उपेक्षा के भी आरोप लग रहे हैं सर, यहाँ पर रेल के संदर्भ में कोई बजट का प्रावधान नहीं है। भाई देखिए, अभी हम लोग पुराने लीक पर चल रहे हैं। एक समय होता था रेल का अलग से बजट होता था और जो योजना आयोग होता था वो धन का आवंटन करता था। आज धन का आवंटन सरकार करती है तो नीति आयोग बना है, जो भी निर्णय नीतिगत होते हैं। उत्तराखंड को 16,500 करोड़ रुपया चारधाम के लिए मिला है, आपका टनकपुर से बागेश्वर के लिए सर्वेक्षण के लिए पैसा मिला है, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए काम उसका सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो ये रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, समय चल लगता है और मैं समझता हूँ कि जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, जितना पैसा हमको मिला है, उत्तराखंड को मिला है, ऐसा कभी नहीं हुआ। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।